हेलो गाइस, वेलकम टू यश ऑटो कार। तो ये है नई 2024 वाली टाटा टियागो का XT वेरिएंट। इस वीडियो में हम टियागो के XT वेरिएंट को देखने वाले हैं कि इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस गाड़ी में कैसी स्पेस मिलती है और इसके XT वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस क्या है, सब इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की डिज़ाइन के बारे में। तो आप इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हो, कुछ ऐसी लगती है ये गाड़ी फ्रंट से देखने में। यहाँ पर इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में, और यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलेंगे इसमें। यहाँ पर इसमें कोई भी फॉग लैम्प्स आपको नहीं मिलेंगे। और फ्रंट ग्रिल इसमें कुछ ऐसी मिलती है जिसमें ट्राई एरो एक्सेंट्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में। और इसके नीचे क्रोम फिनिश मिलती है इसमें जो कि कनेक्टेड होती है इसके हेडलैम्प्स में। और ये है इसकी रेडिएटर ग्रिल, ये सब कुछ मिलता है इस गाड़ी के फ्रंट में। और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं इस गाड़ी की, तो यहाँ पर कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल मिलती है इस गाड़ी में आपको, कुछ ऐसी लुक्स हैं। यहाँ पर इसके व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप्स के साथ, या आपको व्हील कैप्स मिलते हैं ऊपर। और ये है इसके पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs जिसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें ऊपर नॉर्मल एंटीना मिलता है, और यहाँ पर इसमें ऐसे डोर हैंडल्स मिलते हैं बॉडी कलर्ड। इसमें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अब आते हैं इसके रियर में, तो रियर से कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की देखने में। यहाँ पर इसमें हैलोजन टेल लैम्प्स मिलते हैं सी शेप के, और यहाँ पर ऊपर इसमें कुछ ऐसा स्पॉइलर मिलता है छोटा सा साइड में। और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा, और यहाँ पर इसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलेगा। यहाँ पर टियागो की बैजिंग मिलती है इसमें, और इसका जो बूट है आपको चाबी से ही ओपन करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है उसके अलावा। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसके बम्पर में, दो मिलेंगे, और कुछ ऐसा है इस गाड़ी का रियर बम्पर। तो ये था नई 2024 वाली टाटा टियागो XT का पूरा एक्सटीरियर। और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इसमें अंदर से कुछ ऐसा आपको डोर देखने को मिलेगा ब्लैक और ग्रे फिनिश में। यहाँ पर इसमें यह पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है, ये पूरा आपको यहाँ पर डोर ओपनर मिलेगा ब्लैक में, लॉक अनलॉक मिलता है। यहाँ पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, ड्राइवर साइड वाली ऑटो अप एंड डाउन मिलती है। यहाँ पर इसके ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर नीचे इसमें स्पीकर मिलता है, और यहाँ पर साइड में थोड़ी सी स्पेस मिलती है इसमें कुछ भी सामान रखने के लिए। और यह है इस गाड़ी का डैशबोर्ड, कुछ ऐसा लगता है देखने में, डुअल टोन में आपको मिलेगा। और यह है इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स जिसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों सीट्स में, ये फैब्रिक सीट्स मिलेंगी इसमें। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है इसमें, और यहाँ पर इसमें फ्यूल लिड और बूट खोलने का लीवर मिलता है। इस गाड़ी की फ्यूल लिड खोल के देखते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा मिलता है आपको, यहाँ से आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें बूट खोलने का लीवर मिलता है एक, और यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट को खोल सकते हो सामने का। यहाँ पर कुछ ऐसे AC वेंट्स मिलते हैं इसमें, सराउंड में क्रोम फिनिश मिलती है। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड अंदर से देखने में टाटा टियागो XT का। स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर टाटा का लोगो मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम फ़ोन कॉल के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर इसमें कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, और यह है इसका फुल डिजिटल स्पीडोमीटर। यहाँ पर इसमें वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें। यहाँ पर इसके पिलर्स में आपको ट्विटर्स मिलेंगे, और यहाँ पर इसके सेंटर में आए तो इसमें कुछ ऐसा सेंटर कंसोल मिलेगा आपको। सबसे पहले इस गाड़ी के स्पीडोमीटर को ऑन करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। लेफ्ट साइड में RPM मीटर मिलता है, सेंटर में स्पीडोमीटर मिलेगा, और राइट में आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। और यहाँ पर इसके सेंटर कंसोल में सबसे ऊपर दो AC वेंट्स मिलते हैं, सराउंड में क्रोम फिनिश मिलेगी। यहाँ पर हज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है आपको, कुछ ऐसे AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर यह म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा इसमें हारमन का, जिसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, ये कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पर इसमें मैनुअल AC मिलता है आपको, कुछ ऐसे कंट्रोल्स मिलते हैं इसके AC के, ये फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने का स्विच है,
और यहाँ पर इसमें नीचे आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, एक 12V का मिलता है और एक USB पोर्ट मिलता है इसमें, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलती है। और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, और यहाँ पर इसमें दो कप होल्डर्स मिलते हैं, और ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। और यहाँ पर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस साइज़ का ग्लव बॉक्स मिलता है, डिसेंट साइज़ का। यहाँ पर ट्विटर्स मिलते हैं, और यहाँ पर इस गाड़ी के जो सन वाइज़र है उसमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऊपर माइक मिलता है, यहाँ पर इसमें मैनुअल IRVM मिलता है, ये देख सकते हो। और ये वाले सन वाइज़र में इसमें वैनिटी मिरर मिलता है आपको, और यहाँ पर इसमें ग्रैब हैंडल मिलता है, और कुछ ऐसी इसमें फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं वैसे इस गाड़ी के हिसाब से। और यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट मिलती है सेंटर में, जो कि वाइट कलर की है। तो ये सब मिलता है आपको नई वाली टाटा टियागो XT के इंटीरियर में। और अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स में और देखते हैं कि पीछे कैसा स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। तो अब इस गाड़ी का रियर डोर ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा है इस गाड़ी का रियर डोर। ये भी आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है, यहाँ पर ट्विटर मिलेगा इसमें, यहाँ पर डोर ओपनर मिलता है ब्लैक में, और यहाँ पर लॉक अनलॉक मिलता है, यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है, और यहाँ पर स्पीकर मिलता है। और ये है इस गाड़ी की रियर सीट्स जिसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो मैंने पूरी पीछे की हुई है, उसके बाद इसमें ऐसा नी रूम मिल रहा है जो कि डिसेंट है, ये पूरी पीछे की हुई है मैंने। और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है वैसे, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलता है। और ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड, यहाँ पर रीडिंग लाइट मिलती है वाइट कलर की, और यहाँ पर दोनों साइड्स पे ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे इसमें कुछ ऐसे, ये देख सकते हो। और बाकी सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट्स मिलती हैं रियर में, पीछे पार्सल ट्रे मिलेगी इसमें, और यहाँ पर इसमें सिर्फ दो जन बैठ सकते हैं पीछे कंफर्टेबल होके। और अब देखते हैं इस गाड़ी में कैसी बूट स्पेस मिलती है। तो यहाँ पर आपको इसमें की लगाना पड़ेगा, उससे आप इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस गाड़ी का टेलगेट ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसमें आपको ये पार्सल ट्रे मिलती है छोटी सी, और कुछ ऐसा इसमें आपको 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि डिसेंट है इस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से, काफ़ी डीप है इसका बूट। और यहाँ पर इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको इसमें नीचे ही मिलता है बूट में। यहाँ पर इसमें आपको स्टील रिम मिलेगा। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 84 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 19.01 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो ये टाटा टियागो XT की एक्स शोरूम प्राइस है 6.39 लाख, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 7.20 लाख। तो ये है नई वाली टाटा टियागो XT की ऑन रोड प्राइसेस। ये जो इस गाड़ी की प्राइस से ये जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी तरह की और कार्स की इंफॉर्मेशन के लिए नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो।